इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको इस तरीके से इशू दिखाई देता है आपके इंस्टाग्राम के अंदर। इंस्टाग्राम दिस इज़ नॉट अ वैलिड लिंक, तो जो हम लिंक खोलते हैं वो वैलिड नहीं रहता है, तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ पर इशू दिखाई देता है। तो इस इशू को कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर इशू ये निकल कर आ रहा है, जब हम किसी लिंक को खोल रहे हैं तो वो वैलिड नहीं दिखा रहा। अभी वैलिड क्यों नहीं दिखा रहा इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक लिंक है हमारे पास लाइक ये वाला, तो ये रिसेट पासवर्ड का है और ये सबको पता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक चल जाएगा या 10-15 मिनट तक चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। और उसके बाद हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है। अब ये लाइक लिंक एक्सपायर इस वजह से भी दिखा सकता है कि किसी ने भेजा और टाइमिंग लगाकर ये लग जाता है, देखिएगा ऐसे ऑटोमेटिकली, या जो यहाँ पर कंप्यूटर के लिंक रहते हैं वो लग जाते हैं। अब ऐसा भी होता है कि जिस प्रोफाइल लिंक को आप खोल रहे हैं वो यूज़र ही डिलीट कर दिया गया हो इंस्टाग्राम से, या यूज़र ने खुद ही इंस्टाग्राम आईडी लिंक कर डिलीट कर दी हो, तो वो यूज़र नॉट फाउंड दिखाएगा। इसी तरीके से ये लिंक वैलिड नहीं है, मतलब कि इसे लेट हो चुका है, लिंक तो है लेकिन ये लेट हो चुका है और उसके बाद हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं तो वो वर्क नहीं करेगा, तो इस वजह से यहाँ पर ये इशू आ रहा है। तो आपको जो भी लिंक मिले आप जल्दी से यूज़ करिएगा और जिसमें टाइमिंग हो उसको टाइमिंग से पहले उसको प्रोसेस कर दीजिएगा, वरना आपको इसी तरीके से इशू आ सकता है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।